अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? और मस्त होंगे आप लोग। देखिए गाइस, मेरा खाना बन गया है, रोटी वोटियाँ। कैमरे को थोड़ा पीछे कर दो, देख सकते हैं रोटी मेरी बन गई है। दो और बाकी है, बेली हूँ अभी। एक इधर तवे पर है, तवे देखो जल रहा है। अब इसके बाद रोटियां बनाने के बाद फौरन कपड़ा धुलूंगी, तब नहाऊंगी, क्योंकि देखो एकदम बदबू दे रही, नहीं परफ्यूम मारी हूँ, बदबू नहीं। और बताएं कैसे हैं? मेरी रोटी बन गई है सारी। आप लोग लाइक करके जाया करो फ्रेंड, प्यार और सपोर्ट देते रहिए आप लोग। ले भैया, देखिए रोटियां बन गई है मेरी, सब कुछ हो गया है, खाने वगैरह जो कुछ बनता है सब हो गया। गोश्त बनाई हूँ और वो बनाई, क्या बुलाया जाता है, दाल है, रोटी है, चावल है। बज रहा है सुबह का मालूम है 11 तो कभी बज गए, और 12:15 हो रखे लगभग। आप लोग देख सकते हैं मेरी रोटियां भी कैसे फुलाऊंगी। देखिए अभी फ्रेंड, देखो ये है, वाव, रोटी पक गई है मेरी, सब कुछ हो गए हैं मेरे। अब मैं यहाँ से चलती हूँ कपड़ा धुलने के लिए। गैस को ऑफ कर दूँ। चले देख सकते हैं मेरी हो गई है रोटियाँ। देख सकते हैं गाइस, ये मेरा चिकन, इसमें मेरा चावल, फौरन देखे मैं कपड़ा धुल रही हूँ। कपड़ा धुलने के बाद नहाऊंगी। मुन्ना कभी कपड़ा है, मुन्ना कभी धुल दूं। कैमरे को थोड़ा नीचे करूंगा। देखे गाइस, मैं थोड़ा जल्दी से धुल लूं, दो चार पानी भी गिरा दी।
मुन्नी को जल्दी से पहले धुल लेती हूँ मुन्ना वाला, क्योंकि धूप नहीं निकलती है जल्दी से ज्यादा। आज कपड़ा नहीं धोबी घाटा नहीं बनाई हूँ अपना, क्योंकि पैसा ऐसा नहीं है इसीलिए मशीन मेरे नहीं। जब पैसा सब हो जाएगा तो मशीन ले लेंगे। देख सकते हैं गाइस, क्योंकि बेटे का साफ कपड़ा था, क्योंकि कल ही मैंने शाम में पहनाया, फिर इतने टाइम में चेंज कर दी, क्योंकि ज्यादा बच्चे को देरी देरी के कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, बीमारी है बच्चे के लिए। देख सकते हैं गाइस मेरा कपड़ा भी धुला रहा है जल्दी जल्दी। ये मेरे बच्चे का है, लस लस आ रहा, पानी बदबू आ रहा। देख सकते हैं गाइस अब मैं स्टूल लाते हैं तो इस स्टूल पर रखते हैं। देख सकते हैं अब इसी स्टूल पर मैंने रखूंगी। थैंक यू। चले गाइस वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।